गुड मॉर्निंग। ऑफिस में जस्ट 5 मिनट ही रहूंगा क्योंकि फैक्ट्री साइड जाकर लंच के बाद ही आऊंगा। कुछ अर्जेंट काम है तो बताना। सर, आपने ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के बारे में बातचीत करने के लिए मिस्टर जयचंद्रन को अपॉइंटमेंट दिया था। वे आपके कमरे में इंतजार कर रहे हैं और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के इंटरव्यू के लिए 10-12 लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैं तो भूल ही गया। अच्छा, फोन में फैक्ट्री मैनेजर को इन्फॉर्म कर दो कि मैं 2 घंटे बाद ही आऊंगा। जी अच्छा, थैंक यू सर। हेलो जयचंद्रन। हेलो यार। सॉरी यार, बहुत देर से इंतजार कर रहे हो क्या? नहीं यार, अभी अभी तो आया हूँ। एक और अर्जेंट कमिटमेंट आ गया, सोचा कि यहाँ थोड़ा जल्दी ही आकर निकल जाऊं। फाइन, बताइए ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? नागराज, स्कूल के सेंटेनरी सेलिब्रेशंस में हम दोनों के अलावा कोई और इंटरेस्ट नहीं ले रहा। ऐसा नहीं है जयचंद्रन, अपने अपने धंधे में कितना कंपटीशन है, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम? सभी अपने काम में बिजी है। पुराने टीचर्स, फ्रेंड्स वगैरह को याद रखने का वक्त किसके पास है? वह तो ठीक है, पर इस समय क्या तुम बिजी नहीं हो? मैं बिजी नहीं हूं क्या? अरे भाई, एसोसिएशन में इंटरेस्ट होने की वजह से ही हम लोग बिजी होने के बावजूद भी समय निकाल ही लेते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, सेंटिनरी सेलिब्रेशंस के लिए एजेंडा तैयार कर लिया है मैंने और इसमें एक स्पेशल कमेटी बनानी है और इस कमेटी में कौन से मेंबर्स होने चाहिए इसके लिए एक टेंटेटिव लिस्ट मैंने तैयार कर ली है। आज ही भेजता हूँ, देख लेना। इस सोसाइटी के अनुसार जो कुछ भी तुम कहोगे या करोगे वो नियम होगा। मैं सिर्फ नाम मात्र का प्रेसिडेंट हूं, सेक्रेटरी तुम हो। इसके संबंधित जो कुछ भी तुम भेजोगे वो फॉर्मेलिटी के लिए मैं देख लूंगा, बाकी करना धरना सब तुमको है। हम अपने पुराने हेडमास्टर श्री सत्यम सदा शिवम जी को इस फंक्शन में सम्मानित करने की सोच रहे हैं। उनके जैसे आदर्श शिक्षक आजकल देखने को कहां मिलते हैं। हाँ हाँ, वो कुछ जरूरत से ज्यादा सख्त आदमी हैं, लेकिन उन्हें सम्मानित करने में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती। ही इज अ वेरी प्रिंसिपल मैन। आज भी उन्हें देखते ही खड़े हो जाने का मन होता है। उनकी सफलता का राज क्या है मालूम है? स्टूडेंट्स को उनसे डर जैसा लगता है, लेकिन ये डर नहीं है, उनके प्रति ये प्यार, श्रद्धा और आदर है। शिपिंग मैग्नेट सत्यमूर्ति आज भी उनकी खींची हुई रेखा को पार नहीं करता, ऐसा मैंने सुना है, क्या यह सच है? हाँ, सत्यमूर्ति उनका परम आज्ञाकारी है। हाँ हाँ, तब तो स्वयं ही जाकर मैं सत्यम सदाशिवम जी को आमंत्रित करता हूं, बाकी सब लोगों को तुम ही जाकर इन्वाइट कर लो। तुम भक्तवत्सलम को जानते हो ना? भक्तवत्सलम को? कौन भक्त? अरे वही ही कंट्रैक्टर भक्त था, उसे भी कमिटी में शामिल कर लेना है, ही इज वेरी इन्फ्लुएंशियल। अरे वही जो हमसे 2 साल सीनियर था, वही भक्ता क्या? हाँ वही वही। वो बहुत कारिंदा था यार, अपनी क्लास की पद्मिनी से उसका अफेयर था, पता चल जाने पर साफ मुकर गया, याद है? उस बेचारी ने आत्महत्या कर ली थी। वो वैसा ही कैरेक्टर था,
हम लोगों की स्कूल से बैड कैरेक्टर की वजह से उसे निकाला गया था। वो तो पुराना खिलाड़ी है। मालूम है तुम्हें, उसकी राजनीति में बहुत ऊंची पहुंच है। आने वाले इलेक्शन में खड़े होने जा रहा है। उसे मैं खुद बुलाता हूं। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं। अगले मंडे मीटिंग में मिलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग। बाय यार। सर, कैंडिडेट्स आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं, क्या मैं उनको बुलाऊं? बाय बेटा। एमएलए गोपाल ने जिसे भेजा था, ये वही कैंडिडेट है। और टेक्सटाइल कमिश्नर जिन्होंने आपसे फंक्शन में बात की थी, ये उनका कैंडिडेट है। ये है पुलिस कमिश्नर वाला कैंडिडेट। ओ, ओ। और मनोहर जी के पीए ने जिसके लिए फोन किया था, ये वही कैंडिडेट है। और इसके अलावा बहुत सारे हैं सर। ओके, मैं सबको देख लूंगा। तुम उन्हें जल्दी से भेजो। यार प्रभु, कैसा रहा इंटरव्यू? मैंने तो अच्छी तरह किया है, मगर नौकरी मिलेगी यकीन नहीं है। मुझे भी मिलने का कोई चांस नहीं लगता। वहां इन्फ्लुएंस वालों की बहुत बड़ी लिस्ट है, सेक्रेटरी रमा ने बताया था। रमा ने? इतने थोड़े से समय में तुमने उससे कैसे बात की? हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, उसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में वो भी रहती है। वो मुझे कुछ जानी पहचानी से लगी, बस और कोई बात नहीं है। अब तुम बिना झूठ बोले सच सच बताओ, तुम भी उस स्पेशलिस्ट में हो ना? क्या बकवास कर रहे हो, मेरे पास कहाँ इन्फ्लुएंस है? उस सेक्रेटरी रमा ने बताया था कि उसके बॉस तुम्हारे दादा सत्यम सदाशिवम के ओल्ड स्टूडेंट हैं। उन्हें एक फंक्शन में भी बुलाने को कहा था। इतना सब कुछ होते हुए क्यों झूठ बोल रहे हो? ए पागलों जैसी बातें मत करो। दो बातें अच्छी तरह से समझ लो। पहला ये कि शहर में बड़े बड़े कई आदमी हैं जो मेरे दादा के ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, पर मेरे दादा ने उनसे कभी कोई उम्मीद नहीं रखी, इसीलिए उनका सब आदर करते हैं। दूसरा यह कि मान लो अगर मेरे दादा ने कोई उम्मीद की भी, तो उसे मर्यादा से पूरा करना बड़े आदमियों के लिए जरूरी तो नहीं, क्योंकि दादा के पास राजनीति और पैसे दोनों की ही ताकत नहीं है। ऐसी हालत में उनको हेल्प करने से उन बड़े लोगों को क्या फायदा? ऐसी बात है, तो अगले हर इंटरव्यू में हम दोनों साथ साथ ही चलेंगे। हाँ, इससे तुम बहुत खुश हो ना? हैं? अरे चल फुट। एजी, आपके पिताजी को उतना जुनूनी नहीं होना चाहिए। मैं ना समझ पूछती हूं, एक सिफारिश पत्र लिखने से उनकी शान क्या कम हो जाएगी? आखिर ऐसा जुनून किस काम का? तो इसमें मैं क्या करूं? वो पुराने ख्यालों के आदमी है, सीधी सादी बात करना उनकी आदत है। अभी तो त्रेता युग में ही रहते हैं, कलयुग में नहीं आए। तो अब उन्हें आ जाना चाहिए। मैं कहना ही चाहता हूं। बस बस,
बेकार की बातों में समय न गवाइए। अगर आप में पिताजी से बात करने की हिम्मत नहीं है तो मैं ही सीधे चार कड़े शब्दों में पूछ लूंगी कि पिताजी, आपके सभी स्टूडेंट्स ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर हैं, अपने पोते को एक नौकरी मिलने के लिए एक चार लाइन का सिफारिश पत्र लिख नहीं सकते? मुझे कोई डर नहीं। नहीं नहीं, तुम्हें कहने की हिम्मत नहीं इसलिए बहू को भेजकर कहलवा रहे हो, यही कहेंगे मुझसे। वो केवल स्कूल में ही नहीं, घर में भी मास्टर बने रहते हैं। सच्चू, आज इस टॉपिक पर मैं खुद उनसे बात करूंगा। पिताजी वॉकिंग पर गए हैं, आते ही होंगे। पहले इस विषय पर बात कीजिए, फिर ऑफिस जाइएगा। पिताजी, आपसे एक खास विषय पर बात करनी है। कोई भूमिका नहीं, साफ साफ कहो क्या बात है, बताओ ना। उम्र के इस दौर में अगर अपने प्रभु को नौकरी नहीं मिली तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अच्छी योग्यता और शिक्षा जिसके पास हो उसे तो अब तक नौकरी मिल जानी चाहिए, लेकिन इस शहर में सिफारिश के बगैर कुछ भी नहीं मिलता पिताजी। शंकर, तुम अपने बेटे प्रभु के लिए व्यक्तिगत रूप से सोच रहे हो, जबकि यू सी अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सोशल प्रॉब्लम। मैं भी तो उसी सोशल प्रॉब्लम की ही बात कर रहा हूँ। प्रभु को अमेरिका या दुबई में अभी काम मिल जाएगा, वो चला गया तो उसे ब्रेन ड्रेन कहेंगे। पढ़े लिखे लोग विदेश जा रहे हैं, इसका मुझे बहुत दुख है। अगर आप थोड़ा रिकमेंड कर दें तो उसे यहीं नौकरी मिल जाएगी। शंकर, अपनी 40 साल की सर्विस में मैंने स्टूडेंट्स को हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़ाने के सिवा मानव जीवन के मूल्यों पर ही अधिक जोर देकर पढ़ाया है। सीधे साधे रहकर कठोर परिश्रम से अपनी योग्यता के आधार पर जीवन को आगे बढ़ाने की शिक्षा दी है। पैसे या सिफारिश के दम से अपनी संतान का विकास नीचता है। गांधी भक्ति और उनके सिद्धांत मैंने स्टूडेंट्स को सिखाए हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स के सामने अपने पोते की नौकरी के लिए किस मुंह से कहूं? शंकर, प्रभु इस ए ब्राइट बॉय, उसे किसी भी तरह अपनी योग्यता से सर्विस जरूर मिल जाएगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। देखता हूं कौन है। नमस्कार, आइए। श्री सत्यम सदाशिवम जी का घर यही है ना? यस, आई एम हिज सन, प्लीज कम। नमस्कार सर। ओह नागराज, आओ बेटे आओ। बैठो, बहुत दिन बाद तुम्हें देख रहा हूँ। हाउ आर यू? आपके आशीर्वाद से आई एम फाइन सर। ही इज माई सन शंकर। हाँ, अभी घर के बाहर ही देखा इन्हें। ही इज माई ओल्ड स्टूडेंट नागराज। मद्रास शहर में ऐसा कोई नहीं होगा जो इन्हें नहीं जानता। सर, हमारी स्कूल की सेंटनरी आ रही है, ओल्ड स्टूडेंट्स ने उसे मनाने का निश्चय किया है। आपकी एडवाइस और गाइडेंस में ये सब होना चाहिए। क्यों नहीं, अवश्य ही। सर, आपके कई स्टूडेंट्स आज अच्छे और ऊंचे पोजीशंस में है, आप सोचकर एक लिस्ट देंगे तो उन सब को कांटेक्ट करेंगे। इस फंक्शन में आपको सम्मानित करने का भी निश्चय किया है। ये सब किस लिए बेटा? नो नो, इट्स आवर ड्यूटी। दिस इज माय डॉटर इन लॉ। नमस्कार। ये फॉस्टर एंड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नागराजन है। हाँ, मेरे ओल्ड स्टूडेंट। ये बताना मेरे लिए हमेशा जरूरी है। मैंने आपको टीवी न्यूज में देखा है। हालांकि मैं इस बेकार पब्लिसिटी को अवॉइड करता हूँ, उसके बावजूद भी जहां कहीं जाता हूं वहीं पीछे पीछे रेडियो टीवी जर्नलिस्ट वाले सब आ जाते हैं। अब मैं क्या करूं? सक्सेसफुल होने की वजह से ही सब तुम्हें फॉलो करते हैं। सर, वो शिपिंग कंपनी के सत्यमूर्ति भी आपके ओल्ड स्टूडेंट रहे, हमारे एसोसिएशन
और फंक्शन में उन्हें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने को कहना है। सत्यमूर्ति बहुत अच्छा लड़का है, काफी साल हो गए उसे देखे हुए। सर आप तकलीफ न उठाएं, आपका नाम लेकर मैं उन्हें बुला लूंगा, इसकी आज्ञा आपसे लेनी थी। ये वुडस्टॉक कंपनी वाला जयचंद्रन ही तो ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन चला रहा था, आजकल वो है कहाँ? सर आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, जयचंद्रन मेरा क्लासमेट था, वुडस्टॉक कंपनी में पर्सनल मैनेजर की पोस्ट में उसका प्रमोशन हो गया है, इस साल वो एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी है, आने वाले फंक्शन में मुझे प्रेसिडेंट चुना गया है। जयचंद्रन से कहना कि मैंने उसे याद किया है। हाँ आई एम वेरी हैप्पी। ओके सर अब मैं चलूं, मिनिस्टर से एक अपॉइंटमेंट है। ओ आई मस्ट बी गोइंग नाउ। हाँ माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। कम ऑन। दादा किसी फंक्शन में आपको इनवाइट करने के लिए आए थे ये? हाँ बेटा तुम्हें कैसे मालूम है? 4 दिन पहले इन्होंने ही मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया था, वहीं मैंने सुना था। प्रभु तुमने वुडस्टॉक कंपनी में अप्लाई किया है ना? जी हाँ, पर इस समय अचानक उसका जिक्र क्यों? उस कंपनी का पर्सनल मैनेजर जयचंद्रन भी अपने दादा का ओल्ड स्टूडेंट रहा है। क्यों दादा को उन बातों से एम्बेरस कर रही हो माँ? प्रभु तुम्हारे दादा को अकेला न छोड़कर जाने के कारण ही तुम्हारे पिता सारे प्रमोशन छोड़कर मद्रास में हैं। यहां नौकरी न मिलने पर अगर तुम विदेश चले गए तो हम लोग अकेले यहां क्या करेंगे? शंकर इधर आओ। नागराज इधर क्यों आए थे तुम्हें मालूम है? आपको सम्मानित करने के लिए फंक्शन का आयोजन किया है, इसीलिए बुलाने आए थे, वही ना? मैंने दुनिया देखी है और ऐसे न जाने कितने ही आदमियों को देख चुका हूं। तुम सोचते हो मुझे दुनियादारी नहीं मालूम? ऐसा नहीं है, नागराज का मुझे बुलाना एक ढोंग है। वो क्यों इधर आया मैं तुम्हें बताता हूं। नागराज को शिपिंग कंपनी वाले सत्यमूर्ति की दया चाहिए, उसी के लिए ये सब नाटक है। अपने बिजनेस पब्लिक रिलेशन के लिए मुझे और ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन को मोहरा बना रहा है। वो जयचंद्रन बहुत कष्ट उठाकर इस एसोसिएशन को परिश्रम से चला रहा है और उसी ने मुझे बुलाने का सजेशन दिया होगा। हा मैं जयचंद्रन को अच्छी तरह जानता हूं, वो एक शरीफ आदमी है। ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। पिताजी प्रभु को वुडस्टॉक कंपनी से इंटरव्यू आया है, यह तो निश्चय है कि मिस्टर जयचंद्रन ही इंटरव्यू लेंगे। उनके मन में आपके प्रति अपार श्रद्धा है। हम आपके गर्व यश का नुकसान करने वाला व्यवहार हरगिज नहीं करेंगे। अगर आप प्रभु के लिए एक पत्र लिख दें तो। क्यों भाई तुम लोग आखिर मेरी बात को समझते क्यों नहीं? मैं कितनी बार तुम लोगों से कह चुका हूं कि महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा नामक हाथी के मरने पर धर्मराज युधिष्ठिर के घोषणा करते समय हाथी का शब्द कानों तक पहुंचने से पहले ही श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया था, जिसकी वजह से द्रोणाचार्य ने सोचा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। अब यह सब कथा कहानी किस लिए? मेरे पोते को नौकरी चाहिए। सीधे ये न लिखें ठीक है, प्रभु मेरा पोता है, पत्र के द्वारा उसका परिचय दे रहा हूं, ऐसा लिखने में
क्या बुराई है? क्या जयचंद्रन इतना भी नहीं समझेंगे? शंकर, ये लो और प्रभु से कहना कि वो इसे जयचंद्रन को दे दे। पिताजी, आप? प्रभु, तुम्हारे दादा ने जयचंद्रन के लिए लेटर दिया है। सचमुच माँ? हाँ। माँ, मुझे नौकरी मिल गई। हाँ, वुडस्टॉक कंपनी से मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। देखो माँ। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाकर हम रिश्तेदारों में लड्डू बांटेंगे। बेटा, जाकर दादाजी को प्रणाम करो। आखिरकार उन्होंने सिफारिश पत्र दिया ना। वेल डन, आई एम वेरी हैप्पी प्रभु। पिताजी के लेटर देने के बाद भी तुमने इंटरव्यू अच्छा दिया होगा, इसीलिए तो तुम्हें नौकरी मिली। मेरा बेटा होनहार है, क्या मुझे नहीं मालूम? लेकिन ये नौकरी मिलने में पिताजी के लेटर की ही महिमा है। न जाने कब से सिफारिश के लिए बड़बड़ाती रही। आज उनके लेटर से नौकरी मिलने पर अपने बेटे के टैलेंट का बखान करूं तो मैं कृतज्ञ कहलाऊंगी। इसका सारा श्रेय तुम्हारे दादाजी को जाता है। आई एम वेरी हैप्पी। पिताजी, आपके आशीर्वाद से प्रभु को वुडस्टॉक कंपनी में नौकरी मिल गई। दुख और परेशानी में मैंने जो भी आपको उल्टा सीधा बोला हो मुझे माफ कर दीजिए। जैसे अपने स्टूडेंट्स को गलती करने पर आप उन्हें छोटा समझकर माफ कर देते थे, इसी तरह मुझे भी माफ कर दीजिए। अरे, ये क्या, मैं क्यों गुस्सा करूं? तुम्हारी एंग्जाइटी न्यायोचित है। अगर मेरा पोता मूर्ख और अयोग्य होता तो इंटरव्यू के लिए परिचय पत्र भी मैं हरगिज नहीं लिखता। इज ए डिजर्विंग कैंडिडेट। जनरेशन गैप की वजह से शायद मैं कुछ विषयों को दूसरी नजरों से देखता हूं। माँ, दादा को बता दिया क्या इस बारे में? हाँ हाँ, मैं जाकर खीर बनाती हूँ। दादा, ये अपॉइंटमेंट लेटर है। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दादा। मिठाई कहाँ है भाई? क्यों नहीं दादा, माँ खीर बना रही है। मगर दादा, अब मैं आपको उससे भी ज्यादा मीठी खबर सुनाता हूँ। वो क्या है भाई, कहीं कोई लड़की पसंद कर ली है क्या? नहीं दादा, अभी नहीं। अरे शैतान कहीं का, तो फिर और क्या हो सकता है? दादा, आपने जो पत्र दिया था जयचंद्रन के लिए, वो मैंने उन्हें दिया ही नहीं। और बताओ। मुझे ऐसा लगा कि इस पत्र से नौकरी पाने पर आपका स्वाभिमान और मेरा आत्मविश्वास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यही सोचकर मैंने लेटर का प्रयोग नहीं किया। मैंने इंटरव्यू बहुत अच्छा किया एंड जयचंद्रन इज एन ऑनेस्ट मैन। बिना किसी हेरा फेरी के मेरा सिलेक्शन हुआ है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू प्रभु। मुझे तुम पर नाज है। यह सब अपने माता पिता को तुम्हें कहना है, बताना है।
कि यह नौकरी अपनी योग्यता के कारण तुम्हें मिली है, मेरे कारण नहीं। नहीं दादा, जो हम सोचते हैं या समझते हैं उसमें हाफ ट्रूथ्स, अर्ध सत्य है। देखा जाए तो यह नौकरी मुझे आप ही के कारण मिली है प्रभु। बेशक आपके लेटर द्वारा नहीं, अपने टैलेंट को कैसे इंप्रूव करना है, उसके लिए अपने आत्मविश्वास को कैसे मजबूत बनाना है, बचपन से ये सब आप ही ने सिखाया है। कठिन परिश्रम, अच्छे उसूलों के साथ सादगी से जीवन के मार्ग पर चलो, आप ही ने कहा था दादा, और मैं इसी रास्ते पर चलना चाहता हूं। प्रभु, ये लेटर इस रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। ये सब बातें हर कोई नहीं समझता दादा, बेहतर यही होगा कि ये सब हम तक ही रहने दो। प्रभु, प्रभु, प्रभु।